स्वागत है आप सबको मेरे चैनल रोम ब्लॉग में। दोस्तों आज हम खेत में हैं, आज रात भर हम इस पेड़ में सोए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाथी रहता है। तो हम हमारे खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यही पेड़ के ऊपर सोते हैं रात भर। तो अभी सुबह हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल, वहाँ पे थोड़ा मशरूम देखेंगे। कल देखे थे मशरूम का जो एक था वहाँ पे, तो आज वो एक फूट गया होगा, तो वहाँ से मशरूम निकल गया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल देखने के लिए। दोस्तों हमें थोड़ा सा मशरूम मिल गया है, तो अभी हम और थोड़ा देखेंगे। मैं कल जहाँ पे देखा था एक था, वहाँ नहीं गए हैं, वहाँ पे देखेंगे फिर जाएंगे। आज मेरे को एक मशरूम का एक देख गया, देखा था और पाले गाइस, ये जो है ये एक है, यहाँ से मशरूम निकलेगा। दोस्तों अभी हम जंगल से निकल कर बाहर आ गए हैं, यहाँ पे खेत है। अभी हम फिर से जंगल में घुसेंगे इधर आगे, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा मशरूम मिल गया है और थोड़ा चाहिए बस। दोस्तों मैं अभी जंगल से बाहर आ गया हूँ और हमें आज ज़्यादा मशरूम तो नहीं मिला, लेकिन डिसेंट अमाउंट का मशरूम मिल गया है, जो कि काफ़ी हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से वहीं पे जहाँ पे ट्री हाउस है वहीं पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को अभी दवाई का सिंचाई करना है। मतलब खेत में कीड़े हो गए हैं, वहाँ दवाई स्प्रे करना है, तो मैं जा रहा हूँ वहीं खेत पर। मैं वहां जाके आपको ट्री हाउस का ऊपर का भी नज़ारा दिखाऊंगा, वहां पे हम सोते हैं कैसे। इस पेड़ के आप ऊपर हम सोते हैं रात भर, और हम डेली सोते हैं, ऐसे नहीं कि कभी कभी, क्योंकि अगर हाथी आ गया तो कभी नहीं सोए होंगे तो भाई ख़त्म। यहाँ इस साल करीब 3-4 बार हाथी घुस चुका है अंदर,
अब नीचे देख सकते हैं जहाँ जो दिख रहा है वो हाथी खत्म किया है यहाँ पे और यहाँ। ऐसा इसलिए हुआ कि तब हमारा जो हाउस है ट्री हाउस नहीं बना था। दोस्तों अभी मैं ट्री हाउस के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ चढ़ूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। ऊपर मेरा क्या है ना, ओ भाई, स्प्रे मशीन सब ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो दोस्तों ये है हमारा ट्री हाउस। ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ नीचे तो पेड़ के ऊपर बनाया गया है। हम सोते हैं नीचे, अभी वहाँ अंधेरा दिखेगा इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर और वीडियो देखना है, और वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें।